हेलो स्टूडेंट्स कंटिन्यूइंग पीरियोडिक टेबल देखो हमने लास्ट वीडियो लेक्चर्स में बात की थी अबाउट इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज उसका यूज आएगा लगभग हर पीरियडिक uh, प्रॉपर्टी में इसका यूज़ आएगा अब हम स्टार्ट कर दें पीरियोडिक टेबल वाला पार्ट पूरा हो गया अब पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़ इनफैक्ट मोर इम्पॉर्टेंट पार्ट पार्ट फॉर आई टी जेई मेन एडवास्ड और इवन नीट एग्ज़ाम अब शुरू होता है तो चैप्टर असली में तो अब शुरू होता है ध्यान दें तो नहीं लिखो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज और ट्रेंड्स इन प्रॉपर्टीज इन पीरियोडिक टेबल मेनली एस एंड पी ब्लॉक में हम यहाँ बात करते हैं डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक में ट्रेंड्स थोड़ा अलग तरीके से चलते हैं पर्टिकुलरली डी ब्लॉक में बट जो जो मेन पेन पॉइंट होंगे हम यहाँ काम कर, बात करेंगे बट मेनली वी शैल टॉक अबाउट द ट्रेंड्स ऑफ वेरियस प्रॉपर्टीज इन एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक तो पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज मेनली चार प्रॉपर्टीज़ हमें पढ़नी होती हैं एटोमिक रेडियस आयोनाइजेशन एन इलेक्ट्रॉन गेन एंड लास्ट नेगेटिविटी साथ में कुछ एसोसिएटेड टर्म्स भी दैट वी विल कंटिन्यू एंड स्टडी इन डिटेल दैट इज नेगेटिविटी और इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर पॉजिटिव कैरेक्टर एसिडिक एंड बेसिक नेचर ऑफ द ऑक्साइड्स एंड ऑक्सीऐसिड्स एंड हाइड्रो एसिड्स साथ में इस चैप्टर के एंड में थोड़ा सा और बात करेंगे हम के ऑर्गेनाइज नॉमन क्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक सॉल्ट और कंपाउंड तो चलिए बात करते हैं पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज तो चार प्रॉपर्टी हमें मेनली जैसे मैंने बताया हमें पढ़नी होती हैं द फर्स्ट प्रॉपर्टी इज एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज तो फर्स्ट प्रॉपर्टी वन एटॉमिक रेडियस और एटॉमिक साइज एटम का रेडियस व्हाट इज एटॉमिक रेडियस साइज ऑफ द एटम so uh, it is rummy radius it is uh, the distance between nucleus and outermost electrons of in an atom तो एटॉमिक रेडियस का मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द न्यूक्लियस एंड द आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स इन एन एटम बट अब प्रॉब्लम ये है कि हम किसी एटम का एग्जैक्ट रेडियस फाइंड आउट नहीं कर सकते तो एग्जैक्ट साइज ऑफ एटम साइज या रेडियस ऑफ एटम कैन नॉट बी डिटर्मिंड cannot be determined as uh, a single atom as first a single atom cannot be isolated can't be can't be isolated a atom ko isolate kasi second uh, uh, position of electron cannot be exactly determined Kansa, uh, heisenberg uncertainty principle कहने का मतलब यह है कि एक्जेक्ट रेडियस ऑफ द एटम कैन नॉट बी डिटरमिन्ड एज द फर्स्ट सिंगल एटम कैसे आइसोलेट हो दूसरा पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के नॉट भी डिटरमिन्ड। डिटरमिंड इज एस पर हेजन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल तो फिर इनडायरेक्टली डिटरमिन करते हैं इनडायरेक्टली साइज ऑफ साइज मतलब रेडियस रेडियस ऑफ एन एटम Of an element is determined indirectly using bond data by X ray diffraction. स्पेक्ट्रोस्कोपी बाई द मैथड्स ऑफ स्पेक्ट्रोस्कोपी और बाई एक्सरे डिफ्रेक्शन ऑफ द मेटल्स मेटल्स के लिए एक्सरे डिफ्रेक्शन हम फाइंड आउट करते हैं फॉर द साइज ऑफ एटम तो हम इनडायरेक्टली बॉन्ड डेटा या बॉन्ड लेथ के बेसिस पर हम साइज ऑफ द एटम को इंडायरेक्टली डिटर्मिन करते हैं इंडिविजुअल एटम से हम एक्सैक्टली साइज फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं. तो कौन कौन सी रेडियस पर डिफाइन होती है डिपेंडिंग अपॉन दीज बॉन्ड डेटा फर्स्ट कोविलेंट रेडियस आर सीओ भी लिख देते हैं इसको इसका एब्रिविएशन कोवेलेंट रेडियस ऑब्वियसली नाम से मालूम पड़ रहा है कोवेलेंट बॉन्ड लेंथ की मदद से इसको फाइंड आउट करते हैं तो दिस इज एप्लीकेबल फॉर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स तो इट इज वन हाफ ऑफ half of internuclear distance between a 2 uh, between homonuclear atoms in a diatomic molecule uh, the distance between atoms in a homonuclear डाइटॉमिक मॉलिक्यूल अच्छा होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल आप जानते हो जैसे कौन ओ टू एन टू एच टू सी एल टू एटसेट्रा तो इट इज वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन एटम्स इन ए होमोन्यूक्लियर डायटॉमिक मॉलिक्यूल तो इस टाइप से कह सकते हैं कोविलेंट रेडियस कोविलेंट बॉन्ड्स होना चाहिए जैसा हाइड्रोजन ही ले लो मॉलिक्यूल है हाइड्रोजन का ये इनके सेंटर्स हैं एटम्स के तो एक तरीके से इनके बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है यह हो गई d एच एच मान लो एच टू मॉलिक्यूल है तो d इनके इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस हो गई तो d तो बॉन्ड लेंथ है हाइड्रोजन में यह हाइड्रोजन एटम है यह भी हाइड्रोजन एटम है अच्छा यह कोविलेंट रेडियस है आर कोविलेंट आर सीओवी बट इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है इसका आधा यहां तक तो एक तरीके से जो कोविलेंट रेडियस है दिस इज स्लाइटली स्मॉलर देन द द एक्चुअल साइज ऑफ एटम बिकॉज जब बॉन्ड बनता है तो ओवरलैपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होती है ये ओवरलैप जोन है ओवरलैपिंग के कारण थोड़ा सा आपस में इंटरमिंगल हो जाते हैं उनके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड तो कोविलेंट रेडियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन तो एक तरीके से आर कोविलेंट क्या हो गया डी अपू आर कोविलेंट इज डी अपू तो यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि कोवलेंट रेडियस इज रेडियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन द एक्चुअल रेडियस तो कोवलेंट रेडियस इज स्लाइटली स्मॉलर देन द एक्चुअल रेडियस तो कोवलेंट बॉन्ड्स के डेटा की मदद से हम ये आउट कर सकते हैं इन द कोवलेंट मॉलिक्यूल तो ये था आर कोविलेंट इज इक्वल टू डी बाई टू इन द होमो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल अच्छा हेट्रो न्यूक्लियर मॉलिक्यूल केस में होगा क्या होगा फिर केस ऑफ हेट्रोमोलिकट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल मान लो ये दो एटम हैं जो आ, इस तरीके से बॉन्ड बना रहे हैं फॉर एग्जाम्पल साइज दोनों के अलग अलग हैं हेड्रोन्यूक्लियर हैं तो अलग अलग एटम है तो साइज भी अलग अलग होंगे तो मान लो ये आ, कोई ए और ये बी ये ए बी मॉलिक्यूल है ए बी मॉलिक्यूल कोवलेंट बॉन्डेड मॉलिक्यूल तो ये मान लो डी ए बी है क्या फॉर्मूला डी ए बी इज इक्वल टू मतलब इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस विच कैन बी मीशर्ड स्पेक्ट्रोस्कोपी न्यूक्लियस की पोजिशन बड़ी आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं हम किसी एटम में तो डी ए बी इज इक्वल टू ये इसे बोल दोगे आर ए रेडियस ऑफ ए कोविल रेडियस ये कहलाएगा आर बी तो फॉर्मूला आएगा आर ए प्लस आर बी माइनस जीरो पॉइंट जीरो नाइन मॉड ऑफ एक्स ए माइनस एक्स बी एक फॉर्मूला है हालांकि इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स तो कुछ नहीं आते आई आई टी जे ही नहीं पूछता वो ट्रेंड्स ही पूछते हैं कि अक्रॉस द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप वट आर द वेरिएशन इन द प्रॉपर्टीज एटॉमिक साइज घट रहे हैं बढ़ रहे हैं यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो हालांकि इस फॉर्मूले को हम बोलते हैं स्टीवेंशन फार्मूला डी ए बी इज एंटरलियर डिस्टेंस विच कैन बी एक्सपेरिमेंटली मीजर्ड आर ए आरबी में से एक वैल्यू हमें मालूम होगी एंड अदर वैल्यू कैन बी बिटरमी इज वॉट अच्छा ये ध्यान रखना है डी ए बी आर ए आर बी ऑल इन एंगस्ट्रॉ दे आर मीजर्ड इन एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस डिस्टेंसेज है ये और एक्सएक्स बी क्या है एक्सएक्स बी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एक्स वाई इन पॉलिंग स्केल ये भी एक प्रॉपर्टी है पीरियोडिक प्रॉपर्टी हम ये पढ़ेंगे डिटेल में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑन मोस्ट कॉमन स्केल फॉर मेजरिंग द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एन एलिमेंट इलेक्ट्रोनिगेटिविटीज ये मॉड लगाया हुआ है मॉड लगाया मतलब मैग्निट्यूड लेना है डिफरेंस का मैग्निट्यूड तो आ रही बाई ये फॉर्मूला कभी काम में नहीं आएगा हार्डली एनी क्वेश्चन विल बी देयर आई डोंट थिंक एनी क्वेश्चन इज देयर इट इज नॉट इंपोर्टेंट फॉर्मूला इज नॉट इंपॉर्टेंट बट इन केस ऑफ द हेट्रोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल वी कैन फाइंड आउट फ्रॉम दिस एम्पीरिकल फॉर्मूला गिवन बाई एस्टिवेंशन कॉल्ड स्टीवेंशन फॉर्मूला अच्छा यहीं पे एक बात देखो कोविलेंट मॉलिक्यूल्स uh, के लिए हम कोविलेंट रेडियस फाइंड आउट करते हैं ऑब्वियसली कोविलेंट मॉलिक्यूल्स कौन बनाते हैं कोविलेंट बॉन्ड्स आसानी से कौन बनाते हैं नॉन मेटल्स तो कोविलेंट रेडियस मेनली अप्लाइज टू नॉन मेटल्स एज फॉर्म कोविलेंट बॉन्ड तो कोविलेंट बॉन्ड बनाते हैं आसानी से नॉन मेटल्स तो नॉन मेटल्स के लिए कोविलेंट रेडियस इज मोर अप्रोप्रिएटली अप्लाइड अच्छा एक इंपॉर्टेंट पॉइंट सेम एटम के बीच में मान लो कार्बन है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप ये पढ़ते भी हैं कि कार्बन SP3 है sp2 हाइब्राइज है, SP है. हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है जैसे कार्बन है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड भी बनता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी बनता है और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी, भी बनता है तो ट्रिपल बॉन्ड में ओवर, ओवरलैपिंग ज्यादा होगी इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड की तो कोवेलेंट रेडियस ऑफ ट्रिपल बॉन्ड विल बी लेसर सेम एटम्स तो बिटवीन सेम मतलब कार्बन कार्बन है या कार्बन ऑक्सीजन है सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस विल बी लार्जर ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस विल बी स्मॉलेस्ट तो यू कैन से दैट ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस इज स्मॉलर देन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड डीबी डबल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस लेस देन सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कोवलेंट रेडिया या रेडियस अच्छा ये क्या है ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस मैं सब नहीं लिख रहा हूं समझ जाए आप ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस डबल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस अच्छा सबसे ज्यादा एरर किस में आएगा फ्रॉम द एक्चुअल साइज ट्रिपल बॉन्ड में तो मोस्ट एक्यूरेट कौन सी हुई तो सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस इज मोस्ट एक्यूरेट अमंग Uh, uh, these type of radii radii is the plural of radius so s v c r is the most accurate among these uh, type of radii between a pair of atom a pair of atoms तो पेयर ऑफ एटम्स के बीच में अगर हमारे पास ऑप्शन हो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस हो सिंगल बॉन्ड डबल रेडियस हो डबल बॉन्ड रेडियस हो और ट्रिपल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस हो तो मोस्ट एक्यूरेट साइज किससे आप डिटरमिन कर पाओगे सिंगल बॉन्ड कोवलेंट रेडियस से तो ये इस तरीके से आप कह पाते हो तो ये था कोवलेंट रेडियस देन कम्स सेकेंड मेटालिक रेडियस इसको सिंबलाइज कर देते हैं आर एम टी मेटालिक इट इज वन हाफ ऑफ द इट इज वन हाफ ऑफ इंटरन्यूक्लियर इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू मेटल एटम्स टू मेटल एटम्स इन मेटालिक क्रिस्टल और मेटालिक लैटेस तो इसको वन हाफ बोलते हैं अच्छा मेनली अप्लाइज टू मेटल्स जैसे कुछ मेटल्स हैं सोडियम पोटेशियम रुबेडियम आप पढ़ोगे आर सो इलेक्ट्रो पॉजिटिव मेटल्स दैट दे डू नॉट फॉर्म एनी इलेक्ट्रोपोजिटिव कंपाउंड तो फिर ये मेटल्स के फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं तो मेटल मेटल एटम जो नियरेस्ट एटम्स होते हैं एडजेसेंट एटम्स होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस को फाइंड आउट कर लिया जाता है उसका आधा कर देते हैं तो वी गेट मेटालिक रेडियस तो इट इज वन हाफ ऑफ द इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट मेटल एटम्स एटजेंट मेटल एटम्स जैसे यह हो गया मान लो ये मेटल एटम्स हैंक दैट तो मान लो इन दोनों ये दो एटम हैं इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये डी तो आर मेटालिक किसके बराबर हो गया तो आर मेटालिक इज़ इक्वल टू डी बाई टू सो लाइक दैट यू विल से और साफ दिखलाई पड़ता है कि मेटालिक रेडियस जो है वो एक्चुअल रेडियस से थोड़ी सी क्या होगी स्लाइटली लार्जर मेटालिक रेडियस इज स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल साइज रेडियस the size, size मतलब पहले ही बोल चुका हूं the तो कई मेटल्स ऐसी हैं जो कोविलेंट कंपाउंड भी बनाते हैं मेटालिक सॉलिड uh, के रूप में भी एग्जिस्ट करते हैं तो उसके लिए आप uh, कोविलेंट रेडियस ज्यादा प्रीफर करते हो बिकॉज दैट इज मोर एक्ट बट मेनी मेटल्स डो नॉट फॉर्म मेनी कोविलेंट कंपाउंड लाइक सीजियम पोटेशियम रुबेडियम तो उनके लिए तो फिर हम मेटालिक रेडियस ही फाइंड आउट करेंगे तो ये हुआ मेटालिक रेडियस तो विच इज स्लाइटली लार्जर देन द एक्चुअल रेडियस और एक्चुअल साइज देन द थर्ड इज वॉल्स रेडियस आर वॉन्टर वॉल्स वॉन्टर वॉल्स रेडियस अच्छा वॉन्डर वॉल्स रेडियस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस इट इज ऑल्सो कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग रेडियस इसमें कोई बॉन्ड नहीं होता वॉन्टर वॉल्स रेडियस मेनली अप्लाइज टू नोबल गैसेस इट इज मेनली यूज फॉर नोबल गैसेस लाइक हीलियम Neon, Argon, etc., which uh, neither form a covalent bond nor exist as metallic solid. और सॉलिड मेटालिक सॉलिड के फॉर्म में या मेटालिक लेटेस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं करते मेटालिक सॉलिड मेटालिक लेटेस्ट लिख दो देखो क्या बात कर रहे हैं अगर कोई नॉन मेटल है जो कि कोवेलेंट बॉन्ड्स बना करके है तो उसके लिए कोवेलेंट रेडियस इज एप्लीकेबल कोई अगर वॉन्टर वॉल्स कोई अगर मेटल के फॉर्म में है और कोवेलेंट कंपाउंड नहीं बना पा रहा है तो उसके लिए मेटालिक रेडियस फाइंड आउट कर लेंगे बोथ आर एक्यूरेट कोवेलेंट रेडियस भी और मेटालिक रेडियस भी बट हीलियम नियॉन आर्गन क्या करे उसका तो कोई कंपाउंड ही नहीं बनता क्रिप्टॉन के जीनोन के फिर भी कंपाउंड बन गए हैं तो जिनॉन एक्सीएफ टू एक्सी एफ फोर एक्सीएफ सिक्स बनाता है एक्सीओ थ्री भी बनाता है जिनॉन ट्राई तो जीनॉन के लिए तो हम कोविलेंट रेडियस फाइंड आउट कर पाते हैं बट हीलियम नियोन आर्गन क्या करे जिसका एक भी कंपाउंड आज तक नहीं बन पाया क्रिप्टॉन का भी कंपाउंड बन गया है के आर एफ टू तो क्रिप्टॉन के लिए भी कोविलेंट रेडियस हम फाइंड आउट कर पाएंगे बट इनके लिए क्या करें हीलियम नियॉन आर्गन के लिए ना तो वो मेटालिक लेटेस्ट के फॉर्म में एग्जिस्ट करते और ना ही कोवेलेंट कंपाउंड के फॉर्म में तो इनके लिए तो मेनली इट इज एप्लीकेबल वॉट विच रेडियस वॉन्टर वॉल्स रेडियस तो वॉन्टर वॉल्स रेडियस इज एप्लीकेबल मेनली फॉर हीलियम नियॉन एंड आर्गन तो वॉन्टर वॉल्स रेडियस नॉन बॉन्डिंग रेडियस है क्या है ये इट इज वन हाफ ऑफ The internuclear distance of atoms in closest proximity. Proximity with nearness. तो इट इज वन हाफ ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम्स इन सॉलिड और लिक्विड फॉर्म गैस में तो बिल्कुल नहीं लेंगे गैस में तो एटम्स के बीच में सॉरी <coughs> गैस uh, में तो एटम्स uh, uh, के बीच में एक लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है तो बहुत दूर दूर एटम होंगे हो सकता है कि बहुत कम प्रेशर ले लो तो पता चला दो एटम के बीच में जो रेडियस आ गई वो सेंटीमीटर में आ गई मिलीमीटर में आ गई अब ये तो पता है कि मिलीमीटर थोड़ी होती है रेडियस रेडियस तो एंगस्ट्रॉम में होती है दो एंगस्ट्रॉम तीन एंगस्ट्रॉम ढाई एंगस्ट्रॉम लाइक like दैट दैट एंगस्ट्रॉम लाइक like तो तो ये होते हैं लगभग एटम के इट इज ऑफ द इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ एटम्स इन द क्लोजेस्ट प्रॉक्सिमिटी इन सॉलिड और लिक्विड स्टेट अच्छा एटम सबसे पास कब होंगे गैसेस फॉर्म में या लिक्विड फॉर्म में या सॉलिड फॉर्म में सॉलिड फॉर्म में दे विल बी क्लोजेस्ट टू ईच अदर तो सॉलिड में ले आते हैं एटम पास पास हो गए जो सबसे पास वाले एटम्स हैं उनके बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करके उसका आधा कर देते हैं तो वी गेट रेडियस तो मान लो एक मैं एग्जाम्पल लेके बता दूं जैसे मान लो हाइड्रोजन ही है वैसे हाइड्रोजन के लिए तो कोवेन्ट रेडियस सक्सेसफुली वी कैन फाइंड आउट बिकॉज एच टू एक्सिस्ट सिंगल बॉन्ड एच एच बॉन्ड बट चलो मान लो जैसे मैं बात कर लू नियॉन के लिए मान लो ये नियॉन है तो ये मान लो क्लोजेस्ट डिस्टेंस हो गई ये नियॉन एटम से मान लो सॉलिड फॉर्म में तो ये डी तो आर वॉन्टर वॉल्स रेडियस फॉर नियॉन विल बी व्हाट, डी अपॉन टू सो ऑब्वियसली वॉन्टर वॉल्स रेडियस इज मच लार्जर द एक्चुअल साइज सो वॉन्टर वॉल्स रेडियस Is much larger than the actual radius. The so Waals radius is much larger than the actual radius, so it is highly errorful, highly erroneous. बहुत ज्यादा एरर होता है इसमें वॉन्डर वॉल्स रेडियस तो वॉन्डर वॉल्स रेडियस तो हम केवल जब भी काम में लेंगे जब हम कोविलेंट या मेटालिक रेडियस किसी एलिमेंट के लिए फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होंगे तो ये हो गया क्लोजेस्ट एटम ले लिया तो में अच्छा हाइड्रोजन के लिए फाइंड आउट करना चाहें तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मान लो हाइड्रोजन ने सॉलिड स्टेट में लिया तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो ऐसे एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड स्टेट में दे विल फॉर्म द क्रिस्टल साइज थोड़ा बड़ा बना लेंगे प्रॉपरली अच्छा ये तो कोविलेंट रेडियस हो गई इसको छोड़ो ये तो हमने पढ़ लिया मान लो इसे डीवन बोल दिया तो आर कोविलेंट कितना हुआ हाइड्रोजन के लिए ये एच टू है मान लो सॉलिड फॉर्म में तो आर कोविलेंट इज वॉट डी वन अपॉन टू नहीं हम उसकी बात नहीं कर रहे हम तो कह रहे हैं क्लोजेस्ट एटम है मान लो ये दो क्लोजेस्ट हैं ये दो एच टू एच टू के मॉलिक्यूल क्लोजेस्ट हैं तो इनके बीच की जो डिस्टेंस है ये नॉन बॉन्डिंग में

बट हीलियम नियॉन के लिए तो हमें यही रिपोर्ट करना पड़ेगा और कोई रेडियस हमारे लिए अवेलेबल ही नहीं है यही कारण है कि एक्सेप्शन में काउंट हो जाते हैं एक्सेप्शन की जब बात करेंगे तो वी शिल टॉक अबाउट इट तो ये थे वेरियस टाइप ऑफ रेडियस अच्छा एक ही एलिमेंट के लिए मान लो मैं ऐसे कह दूं फॉर एन एलिमेंट किसी एक ही एलिमेंट के लिए अगर मैं तीनों रेडियस फाइंड आउट कर लूं तो व्हाट विल बी द ऑर्डर आर वॉल्स विल बी ग्रेटर देन आर मेटालिक बी ग्रेटर देन आर कोवेलेंट सो डिक्रीजिंग रेडियस

इसी का रिमेनिंग पार्ट जो है दैट विल टेक अप इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर दैट्स इट फॉर नाउ